भक्तों, हमारे यूट्यूब पर कुछ फ्रेंड मिल चुके थे। अब देखो, बंद्रा बन के बाबा जी, साधु जी, जो भी कहा जाता है, बाबा जी आ चुके हैं। अब हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं। आप लोग बने रहे वीडियो में एंड तक। और आज हेलीकॉप्टर आप पास से देख सकते हो कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर की उड़ान होती है। जब यहाँ पर उड़ान होगी तो यहाँ पर एक प्रकार का तूफान सा आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो गुरुजी यहाँ पर वृंदावन के निकल आए हैं गाड़ी से, और यहाँ पर लोग भाग के पास में आ रहे हैं कि हम भी देखेंगे हेलीकॉप्टर की उड़ने की किस प्रकार से हेलीकॉप्टर उड़ता है। यहाँ पर जब हेलीकॉप्टर उड़ता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल होती है, तो यहाँ पर एक प्रकार से तूफान सा आ जाता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गुरुदेव कुछ भक्तों से मिल रहे हैं और कुछ भक्त उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। अब आगे का कार्यक्रम आप लाइव देखो, पहुँच चुके हैं, जा रहे हैं सीधे हेलीकॉप्टर में। देख सकते हो आप लोग, एक महिला रेलिंग से बाहर तारण से अंदर आ चुकी हो और उनसे मिलने के लिए वह उनकी कोई पहचान नहीं, देखो चरण स्पर्श कर रही है। अब आप लोग आप सीधे यहाँ पे गुरुजी यहाँ पर हेलीकॉप्टर पर बैठकर उड़ने वाले हैं। अब हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका है, जो आप लोग देख सकते हो उस पर पायलट भी बैठ चुका है। अब आगे का कार्यक्रम देखें कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। बोलो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आगे का कार्यक्रम लाइव देखें।
भक्तों जय श्री राम जय बागेश्वर धाम। भक्तों दूसरा हेलीकॉप्टर बागेश्वर धाम पर लैंड होने के लिए आ रहा है, जो आप देख सकते हो कि बागेश्वर धाम की परिक्रमा करने के लिए गया है। अब सीधा वहां से बैक होकर आएगा और यहीं पर बागेश्वर धाम के पास पर एक खेत में यह हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। इस हेलीकॉप्टर में पता चला है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सांसद उतरने वाले हैं, जो आप देख सकते हो कि हेलीकॉप्टर यहां पर देख रहा है कि किस जगह पर हेलीकॉप्टर लैंड होना है। और यहां पर आप लोग देख सकते हो अभी काफ़ी दूर पर है, जो हमने यहीं पर जूमिंग करके लिया है। आप लोग देख सकते हो कि आ रहा है हेलीकॉप्टर और यहां पर धुआं कर दिया गया है कि हेलीकॉप्टर के पायलट को पता चल सके कि हेलीकॉप्टर यहां पर उतरना है। जो आप देख सकते हो धुआं से हेलीकॉप्टर मुड़ के धुआं के पास से आकर सीधे लैंड होने की कगार पर आ चुका है, जो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल पास में आ चुका है। बहुत ही स्लो मौसम में लग रहा है कि बहुत ही आराम से हेलीकॉप्टर आ रहा है, परंतु यह बहुत तेज़ी से आ रहा है। जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ घने पेड़ भी लगे हुए हैं और पहाड़ों के बीचों बीच यहाँ पर बागेश्वर धाम के एक खेत में हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। और यहाँ पर बागेश्वर धाम के महाराज द्वारा और यहाँ के प्रशासन द्वारा बड़ी कठोर सिक्योरिटी भी मुख्यमंत्री के लिए तैनात की गई है, जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर पानी वाली भी एक गाड़ी रखी गई है, कहीं पर आग जैसी हालात ना पैदा हो सके। जो आप लोग देख सकते हो नीचे से कितने तेज धूल उड़ रही है, जैसे ही यहाँ पर लैंडिंग के लिए हेलीकॉप्टर आया बहुत तेज़ी से धूल उड़ रही है, जो आप लोग देख सकते हो बमबूरा से उखल पड़े हैं। देखो हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो रहा है, हो गया है हेलीकॉप्टर। यहाँ पर तार की जाली खींच दी गई थी कि इससे आगे कोई ना जा सके। सभी पुलिस वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पीछे की तरफ उल्टे होकर खड़े हो गए। बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही है, हेलीकॉप्टर पूर्णतः लैंड हो चुका है। अब उसके अंदर से मुख्यमंत्री जी उतरने वाले हैं। अब आगे का दृश्य आप लोग लाइव देखें। बोले जय श्री राम जय बागेश्वर धाम। बीडी सर।
रहे हैं बैठे।